नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18वें G20 शिखर सम्मेलन से इतर नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनिबू के साथ की द्विपक्षीय बैठक। कृषि, बाजरा, व्यापार और निवेश सहित व्यापक मुद्दों पर की चर्चा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, कृषि, बाजरा, वित्तीय प्रौद्योगिकी और क्षमता निर्माण सहित व्यापक द्विपक्षीय सहयोग के तमाम क्षेत्रों पर की बातचीत। G20 शिखर सम्मेलन में रूसी विदेश मंत्री सरगेई लवरूफ ने जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक परिणामों से निपटने के लिए 100 अरब डॉलर की जताई प्रतिबद्धता। भारत की G20 की नई दिल्ली घोषणा पत्र में लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के नेतृत्व में विकास को किया गया शामिल। आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण बढ़ाने, लैंगिक समावेशी जलवायु कार्रवाई को आगे बढ़ाने और महिलाओं की खाद्य सुरक्षा पोषण को सुरक्षित करने पर ध्यान किया गया केंद्रित। उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में सोमवार से विशेष टीकाकरण अभियान मिशन इंद्रधनुष 5.0 के अगले चरण की शुरुआत। गर्भवती महिलाओं और 5 वर्ष तक के बच्चों का होगा टीकाकरण। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश की संभावना। उत्तराखंड के 12 जिलों के अलग अलग इलाकों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी। नैनीताल, बागेश्वर, देहरादून और चमोली में सोमवार और मंगलवार को रखा गया है येलो अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18वें G20 शिखर सम्मेलन से इतर नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनिबू के साथ द्विपक्षीय बैठक की और रक्षा, कृषि, बाजरा, व्यापार और निवेश सहित व्यापक मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, रक्षा, कृषि, बाजरा, वित्तीय प्रौद्योगिकी और क्षमता निर्माण सहित व्यापक द्विपक्षीय सहयोग के तमाम क्षेत्रों पर सार्थक बातचीत की। राष्ट्रपति टिनिबू ने भारत की G20 अध्यक्षता की सफलता पर प्रधानमंत्री मोदी को बधाई भी दी, जिन्होंने G20 में अफ्रीकी संघ की स्थायी सदस्यता सुनिश्चित करने और ग्लोबल साउथ के हितों को बढ़ावा देने के लिए भी प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। और G20 शिखर सम्मेलन में रूसी विदेश मंत्री सरगेई लवरूफ ने जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक परिणामों पर निमटने के लिए 100 अरब डॉलर की प्रतिबद्धता जताई। लवरूफ ने कहा है कि पश्चिमी देशों ने भी बहुत पहले जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक परिणामों का मुकाबला करने के लिए प्रतिवर्ष 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने का वादा किया था, लेकिन उस पर कुछ भी नहीं किया गया। भारत की G20 अध्यक्षता में महिला विकास के बजाय महिलाओं के नेतृत्व में विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया और G20 की नई दिल्ली घोषणा पत्र में लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के नेतृत्व में विकास को शामिल किया गया, जो एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। G20 नई दिल्ली घोषणा पत्र आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण बढ़ाने, लैंगिक डिजिटल फासला कम करने, लैंगिक समावेशी जलवायु कार्रवाई को आगे बढ़ाने और महिलाओं की खाद्य सुरक्षा, पोषण और कल्याण को सुरक्षित करने पर केंद्रित है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि G20 सदस्य देशों के नेता महिला सशक्तिकरण पर एक कार्य समूह के गठन पर सहमत हुए। G20 महिला मंत्री स्तरीय समूह ने इसके गठन की अनुशंसा की थी। और आगे बढ़ते हैं, जहां भारत मंडपम में लगा शिल्प बाजार भारतीय शिल्पियों के लिए वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के लिए बहुत ही सशक्त माध्यम बना है। शिल्प बाजार में देश के अलग अलग हिस्सों की समृद्ध कला की विरासत एक छत के नीचे आ गई और विदेशों से आए मेहमान स्थानीय उत्पादों को लेकर बेहद उत्साहित रहे और वहीं कलाकार भी खुश हैं कि उनकी कला को विदेशों में पहचान मिल रही है। देश के अलग अलग क्षेत्रों की कला और शिल्प के रंग एक साथ नजर आए भारत मंडपम में लगे शिल्प बाजार में। यहां देश की प्राचीन और परंपरागत कला की एक से बढ़कर एक विधा देखने को मिली। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मधुबनी पेंटिंग कारीगर शांति देवी की मधुबनी पेंटिंग का यहां प्रदर्शन किया गया।
मधुबनी कला की बारीकी से विदेशी मेहमान भी इसके मुरीद हो गए। वहीं गुजरात की 12,000 साल पुरानी समृद्ध कला को दर्शाती पिथौरा पेंटिंग को भी प्रदर्शनी में जगह मिली थी। ये पेंटिंग गांव की दीवारों पर बनाई जाती है। इस चित्रकला से जुड़े कलाकार परेश राठवा जी अपने हुनर के लिए पद्मश्री से नवाजे जा चुके हैं। वहीं टेराकोटा से बने खूबसूरत सामान भी शिल्प बाजार की शोभा बढ़ाते नजर आए। लखनऊ के पद्मश्री प्राप्त नक्काशी कलाकार दिलशाद हुसैन के हुनर को भी इस प्रदर्शनी में स्थान मिला। वहीं हिमाचल प्रदेश के स्टॉल को देखकर तो ऐसा लग रहा था मानो पूरा हिमाचल प्रदेश ही यहाँ उतर कर आ गया हो। किन्नौरी शॉल, टोपी, चंबा रुमाल, चाय और हाथ के बने सुंदर खिलौने यहाँ खूब पसंद किए गए। वहीं आदिवासी क्षेत्रों की कला को भी यहाँ अलग पहचान मिली। भारत के कला शिल्प को देखकर विदेश से आए मेहमान हैरान और उत्साहित नजर आए और जमकर खरीदारी की। India may be the pharmacy capital of the world, but it is also a capital for indigenous crafts, handmade crafts, all beautiful. It's all here. Every state is represented, every craft is represented, and it's just a joy to witness this, and everyone is discovering it. Interesting for us because we see all the culture and the expertise of the craftsmen and women of India, and we can also understand something about the different regions and the different crafts product and but also some tea. It is a wonderful experience for us. We brought some pashmina. इस आयोजन का हिस्सा बनकर सभी कलाकार स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उनके उत्पादों को नई पहचान मिलेगी। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जो हम लोग ये हमारे आर्टिसंस के प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, नेशनली ही नहीं इंटरनेशनली हम लोगों को एक रिकग्निशन मिल रहा है। हमारे हैंडीक्राफ्ट्स की मार्केट इंटरनेशनल मार्केट में लोगों को पहचान हो रही है। तो आई रियली थैंक टू द गवर्नमेंट कि हमारे आर्टिसंस को एक अपॉर्चुनिटी मिली। हमें आजीविका से जुड़ के बहुत फायदा हुआ है और यहाँ आके तो और भी ज़्यादा फायदा हुआ है, क्योंकि जो विदेशी मेहमान आए हैं तो हर एक मेहमान आके कुछ ना कुछ हमारा स्टॉल से लेके गए हैं। तो इससे हमें ये फायदा हुआ कि विदेश में जाके ये चीज़ दिखाएंगे तो शायद हमारी चीज़ें यहाँ से हमारी महिलाओं द्वारा बना हुआ वहाँ तक पहुँचे। हम हिमाचल के लिए G20 में शोकेस करने के लिए सारे GI प्रोडक्ट्स लाए हैं, विच इंक्लूड्स हमारा चंबा रुमाल, चंबा चप्पल, कुल्लू शॉल्स, किन्नौरी शॉल्स, एडिबल्स, कांगड़ा टी, काला जीरा। हमने नए अभी रीसेंट मौक़ों में हमने नए टॉयज डेवलप करवाए हैं जो बिल्कुल हमें लगता है परफेक्ट गिफ्ट होंगे सुविनेस ले जाने के लिए। जहां विदेशी मेहमान भारत के निशाने के तौर पर ये सामान खरीदकर खुश हैं, वहीं हस्तशिल्पियों को उम्मीद है कि ये शिल्प बाजार उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार की नई राह खोलेगा। नितेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और नए तकनीक ने काम करने के तरीकों को बदल कर रख दिया है। तकनीक के इस्तेमाल ने न सिर्फ काम तेजी से कर दिखाया है बल्कि काम भी आसानी से हो जाता है। और ऐसा ही अब उत्तर प्रदेश में चकबंदी कार्यालय को हाईटेक बनाने के लिए काम किया जा रहा है। देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में अब चकबंदी तकनीकी माध्यम से कराई जा रही है। प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि चकबंदी विभाग को अब मॉडर्न बनाया जाएगा। प्रदेश में 137 गांव के लिए चकबंदी का नोटिफिकेशन हो चुका है और 374 गांव को चकबंदी के लिए चयनित किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से और उनके ही मार्गदर्शन में चकबंदी विभाग में पुनः नए ग्रामों को चकबंदी कराए जाने हेतु लिया गया है। पहले चरण में 137 ग्रामों को लिया गया है और उनका नोटिफिकेशन उत्तर प्रदेश सरकार से किया जा चुका है और इन ग्रामों को पुनः जनपदों में जिन जनपदों से संबंधित हैं वहां पर भेज करके उत्तर प्रदेश के सरकारी गजट में इनका प्रकाशन भी कराया जा चुका है। अब जब चकबंदी प्रारंभ होती है तो जो अभिलेख तहसील में होते हैं जिन ग्रामों में चकबंदी होनी होती है हम तहसील से वही अभिलेख प्राप्त करते हैं और उन्हीं अभिलेखों का सत्यापन करा करके और उसी के आगे हम चकबंदी का कार्य प्रारंभ करते हैं। अब यही जो सत्यापन का कार्य है और इस पर जो अभिलेखों का मिलान है और जो सर्वे का काम है ये हम तकनीकी रूप से करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए हम डैशबोर्ड भी अभी बनवाएंगे और ये सब सारा कार्य हमारा जो है प्रगति पर है और शीघ्र हम 137 ग्रामों में तकनीकी रूप से चकबंदी कराने में सक्षम होंगे। पहले चकबंदी की प्रक्रिया मैन्युअली रूप से की जाती थी जिसमें काफी समय लगता था, लेकिन अब तकनीक के इस्तेमाल से ये आसान हो जाएगी। पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, ड्रोन और रोवर जैसी अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग कर चकबंदी की जा रही है।
हमारे जो चकबंदी कार्यालय हैं इनको भी मॉडर्न बनाने के लिए, इनमें जो भी सुविधाएं अभी तक नहीं होती थी इनसे इनको सम्मिलित करके और हम अपनी कार्य पद्धति के सुधार के लिए हमने काफ़ी चेंजेस किए हैं। हमारे सभी कर्मचारी समय से आए, उनका हमारी जो पत्रावलियाँ हैं, जो भी हमारे कर्मचारी हैं तथा हमारे जो भी गांव चकबंदी में चल रहे हैं उनसे संबंधित पत्रावलियों के रख रखाव के लिए उनका किस ढंग से डॉक्यूमेंटेशन हो, इस सारे में हमने काफ़ी सुधार किए हैं। और चकबंदी निदेशालय, एक एसओसी ऑफिस एसओसी हरदोई का ऑफिस तथा एक एसओ ऑफिस बरेली के ऑफिस को हमने ISO सर्टिफाइड कराने के लिए भी अप्लाई किया है। उन लोगों ने दो तीन बार इसको विजिट भी कर लिया है और काफ़ी गुणवत्ता हमने हासिल कर लिया है और शीघ्र ही एक सप्ताह में हमको ISO सर्टिफिकेट भी इसका उपलब्ध हो जाएगा, जिसमें हमारा चकबंदी निदेशालय जो लखनऊ में स्थित है, एसओसी कार्यालय हरदोई जो हरदोई में स्थित है और एक जो है बरेली में ACO का कार्यालय, हमने सभी यूनिट्स को इसमें कवर करने की कोशिश की है कि हमारी ACO से लेकर के और हमारा लैफिक तक सारी में सारी सुविधाएं हो जाएं ताकि हम इसको अच्छे ढंग से कर सकें। उत्तर प्रदेश में अब चकबंदी कार्यालय को भी हाईटेक बनाया जाएगा, इसके लिए जिम्मेदारी ISO को दी गई है। साथ ही अब लखनऊ, हरदोई और मुरादाबाद के कार्यालय ISO सर्टिफाइड होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, DD किसान। और भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ त्यौहारी सीजन में खाद्य उत्पादों की कीमतों को नियंत्रित करने के साथ साथ उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर भारत दाल और प्याज की आपूर्ति सुनिश्चित करवाने में सरकार से रसोई अभियान से कितनी मदद मिलेगी, इस विषय पर हमारे संवाददाता OP यादव ने बात की भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मर्यादित की प्रबंध निदेशक जोसेफ चंद्रा से। राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ ने उपभोक्ताओं को सस्ते दर पर खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए 75 गाड़ियों को फ्लैग ऑफ कर रवाना किया। इसमें दाल, चावल, प्याज तमाम तरह के ऐसे उत्पाद हैं जो सस्ते दर पर उपभोक्ताओं को मिलेंगे। अभी हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए NCCF के MD जोसेफ चंद्रा मौजूद है। मैडम, बात करें, ये कैंपेन आप लगातार कई दिनों से कर रहे हैं, आज 75 गाड़ियाँ इसमें फिर से शामिल हो गई है, इनमें कौन कौन सी खाद्य सामग्री हैं और किस दर पर भेजी जा रही है? पिछले जुलाई और अगस्त में हमने टमाटर का ये कैंपेन चलाया था जहाँ पे सस्ते में बेचने का कोशिश किए थे। प्याज और चना दाल का शुरू हो रहा है, प्याज 25 रुपया प्रति किलो बेचा जाएगा और चना दाल 60 रुपया में, भारत दाल के रूप में चना दाल 60 रुपया के MRP में है। अभी जी जुंडी चल रहे हैं तो NCCF अपनी तरफ से 5 रुपया उसमें फर्दर डिस्काउंट करके 55 रुपया में, जब तक G20 का जो चल रहा है तब तक ये ऐसे प्रमोशनल ऑफर 55 रुपीस पर KG पे बेचेंगे और बाज़ार में इसकी कीमत कभी 80 के आसपास चल रहा है। और प्याज इसके अलावा हम बफर स्टॉक में लगातार प्रोक्योर करते जा रहे हैं, लासलगांव, पीपलगांव और मध्य प्रदेश का कई अनियन ग्रोइंग रीजन से, तो वो भी साइड बाय साइड ये चल रहा है। एक तरफ से हम प्रोक्योर कर रहे हैं बफर स्टॉक में, वो प्रोक्योर करते जा रहे हैं और रिलीज भी कर रहे हैं। तो आपने संकल्पना रखी है सरकार से रसोई तक, ये भी एक महत्वपूर्ण पहल है, क्या कहेंगे? क्योंकि ये सरकार कई अच्छा स्कीम्स चालू किया है, तो वो स्कीम्स, वेलफेयर स्कीम जो रसोई तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है, ये हमारे आदेश है, इसलिए हमने ये हैशटैग, ये लाइन, ये यही रखा है सरकार से रसोई तक। जो सरकार सब्सिडी दे रहे, जो इंसेंटिव्स दे रहे, जिसका लॉसेस सब सरकार खुद अब्सॉर्ब कर रहे हैं, तो हमारे लिए यही कोशिश रहेगा कि देश का कोई भी कोना कोना में जहाँ जहाँ भाव बढ़ रहा है वहाँ पे पहुँचा दें, होलसेल मार्केट में और रिटेल मार्केट में। रिटेल में ये वाहनों के द्वारा हम पहुँच जाएंगे, सिर्फ दिल्ली NCR में नहीं, कई राज्य में जहाँ जहाँ जो जिन सिटीज़ में दाम बढ़ रहा है वहाँ पे मोबाइल वैन पहुँचाने का हमारे आदेश है और हम बिल्कुल वो करेंगे। तो ये थे NCCF की MD जोसेफ चंद्रा, जिनका मानना है कि उपभोक्ताओं को सस्ते दर पर खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए न केवल दिल्ली में बल्कि राज्य में भी वैन चलाकर खाद्य आपूर्ति और सस्ते दर पर कृषि और खाद्य से जुड़े उत्पाद पहुंचाने का लगातार काम किया जा रहा है, ताकि एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना के साथ आम उपभोक्ताओं को इनका फायदा दिलाने की संकल्पना साकार हो। मेरे सहयोगी कैमरामैन जगमोहन के साथ में OP यादव, DD न्यूज, दिल्ली।
और उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में सोमवार से विशेष टीकाकरण अभियान मिशन इंद्रधनुष 5.0 के अगले चरण की शुरुआत होगी। इस मिशन के तहत 5 साल से कम उम्र के सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं को टीके की खुराकें दी जाएंगी। टीकाकरण के जरिए कई गंभीर बीमारियों जैसे कि टेटनेस, पोलियो, तपेदिक, गला घोटू, काली खांसी, हेपेटाइटिस बी, पीलिया, हिप निमोनिया, मेनिनजाइटिस, दिमागी बुखार, रोटा वायरस, डायरिया एवं खसरा रूबेला से बचाव होगा। सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रही है और इसी सिलसिले में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार मिशन NRLM के तहत सरकार ने राजौरी में महिलाओं को छोटे व्यापार के लिए प्रशिक्षण देने का काम शुरू किया। यहां महिलाओं को अचार और दूध से बने पदार्थों का प्रशिक्षण दिया गया और इस प्रशिक्षण में भारी तादाद में महिलाओं ने प्रशिक्षण हासिल किया। महिलाएं इससे बहुत खुश नजर आईं। उन्होंने कहा कि बहुत सी महिलाओं और लड़कियों ने प्रशिक्षण हासिल करके रोजगार कमाना शुरू किया है और अब वो आर्थिक तौर पर मजबूत हो रही हैं और इससे बेरोजगारी खत्म हुई है। मैंने ग्रेजुएशन की है, जब मैंने ग्रेजुएशन ख़त्म की उसके बाद फ़ौरन मैंने NRLM डिपार्टमेंट जो उम्मीद से जाना जाता है मैंने इसको ज्वाइन किया और आस्ता आस्ता लोगों को आगे बताया, हमने उनको अवेयर किया और मैक्सिमम लड़कियों ने ज्वाइन किया। अब तो मतलब पूरी पंचायत में ऐसी है ही नहीं कि कुछ बची हों, तो सारी ने ज्वाइन किया हुआ है और इस तरह से हमारी कम मतलब बेरोज़गारी बहुत जल्दी ख़त्म हो रही है। यहाँ सबसे पहले हमारी स्कीम आई है अमीर स्कीम जो 2018 में आई है, दिसंबर 2018 में आई है, तब से हम अमीर स्कीम से जुड़े हैं। तो हमारा एरिया जो था बैकवर्ड एरिया था, हमारे एरिया में पहले कुछ किसी को लेडीज़ बाहर जाने के लिए राज़ी नहीं होती थी कि कुछ काम करने के लिए या अपना कारोबार खोलने के लिए, ऐसा कोई मसला ही नहीं था। तो जब से ये हमारी अमीर स्कीम आई है, हमारे घर की जो बच्चियां पढ़ी लिखी थी, जो नहीं पढ़ी लिखी हैं लेडीज़, उनको भी पता चल गया है ये हमारी अमीर स्कीम कितनी अच्छी तरह से चल रही है। 3-4 सालों में हमने बहुत कुछ सीखा है, हमें ट्रेनिंग दी गई, हम जम्मू में ट्रेनिंग हुई, हैदराबाद में ट्रेनिंग हुई, उसके बाद आज हम कहीं भी जा सकते हैं। मतलब जैसे ट्रेनिंग होती है हमारी राजौरी में होती है, KYC की, फिर जम्मू में भी होती है, मतलब बहुत ही हमें बेनिफिट मिला। और पंजाब में किसान लीडरों ने दिल्ली की तर्ज पर धरना देने की बात कही है। किसान लीडरों ने एक मीटिंग में कहा है कि ये पंजाब के किसानों का मसला है और इसके हल के लिए हम सब मिलकर लड़ेंगे। किसान लीडरों ने कहा है कि जो पार्टियां अभी इसमें शामिल नहीं हुई हैं, हम उन्हें भी साथ लाएंगे और मिलकर इसका समाधान करेंगे। पंजाब के रिवर वाटर्स के ऊपर और इसी तरह से फेडरल सिस्टम के ऊपर, चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी है, वो पंजाब को नहीं सौंपी जा रही, इसके ऊपर। तीसरा है एनवायरनमेंट और चौथा किसानों और मजदूरों के कर्ज माफ़ी के ऊपर। इन चार मुद्दों पे हमने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, सभी पार्टियों ने कमिट किया था, लेकिन फिर भी कुछ आई हैं कुछ नहीं आई, और कोई और क्लैरिटी अपनी पार्टी से चाहते होंगे। तो हमने तय किया कि एक बार फिर सबको इकट्ठा करेंगे, क्योंकि ये मुद्दे पंजाब की होंद के मुद्दे हैं, पंजाब की सर्वाइवल के मुद्दे हैं। अगर ये इन मुद्दों पे कोई फैसला ठीक नहीं होता तो पंजाब नहीं बच पाएगा। इसलिए हमने आज मीटिंग में तय किया कि एक आंदोलन होगा, आंदोलन हम करेंगे, लेकिन सभी को हम साथ लेके आगे बढ़ेंगे। और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बीते 2 दिनों से भारी बारिश देखने को मिल रही है, जबकि कुछ जिलों में रुक रुक कर हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी है। मध्य प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीती रात से तेज बारिश का सिलसिला जारी है। लखनऊ में भारी बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव हो गया है। इस बीच मौसम विभाग ने आज भी ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग की ओर से जारी बारिश के अलर्ट के बीच लखनऊ के DM ने शहर के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों की छुट्टी कर दी है। DM ने कक्षा 12वीं तक के सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया है। वहीं मुरादाबाद में भी भारी बारिश के चलते 11 सितंबर को जिलाधिकारी ने जनपद की CBSE और ICSE, UP बोर्ड और संस्कृत शिक्षा परिषद से संचालित सभी स्कूलों की छुट्टी के आदेश दिए हैं। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने एक बार फिर से बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग केंद्र ने देहरादून समेत 11 जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। नैनीताल, बागेश्वर, देहरादून और चमोली में आज और कल येलो अलर्ट रखा गया है। बता दें कि भारी बारिश के कारण और पालन नाला के पास सड़क पर मलबा आने के कारण बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है। और अब बात करते हैं
मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखे अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश में इस समय किसान जल्द बोई गई धान की किस्मों की कटाई करें, इसके साथ ही यहां बारिश की संभावना को देखते हुए काटी गई फसल को खुले मैदान में ना रखें। यही पिछले सप्ताह धूप और गर्मी का मौसम था, इसीलिए किसान खड़ी फसल में जरूरत के अनुसार हल्की सिंचाई करें। अरुणाचल प्रदेश में ही इस समय फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली जैसी सब्जियों की नर्सरी तैयार करें। असम के पहाड़ी इलाकों में मूंग और उड़द की बुआई जारी रखें। यही इस समय गन्ना में लाल सड़न रोग और तना छेदक कीट का प्रकोप बढ़ सकता है, ऐसे में प्रभावित गन्ने को उखाड़ कर नष्ट कर दें। निचले ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में मूली, फूलगोभी और उड़द की बुआई जारी रखें। इसके साथ ही यहां रबी मक्के की बुआई के लिए खेत तैयार करें। वहीं ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र में जल्द से जल्द तिल की बुआई के लिए खेत तैयार करें। यही फूलगोभी की नर्सरी तैयार करते रहें। मध्य ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में मूंग और उड़द की बुआई करें। इसके साथ ही यहां मूली, पत्ता गोभी और गांठ गोभी की नर्सरी लगाने का काम जारी रखें। असम के उत्तरी तटीय मैदानी इलाके के किसान भी मूंग और उड़द के अलावा तिल की बुआई करते रहें। मेघालय की बात करें तो यहां के निचले इलाके में धान के खेतों में 2 से 3 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें। यही मौसम साफ रहने पर तैयार मक्के की तुड़ाई करें। यही इस समय पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, लाई पत्ता और गांठ गोभी की बुआई जारी रखें। इसके साथ ही यहां तैयार कद्दू, लौकी, पेठा, स्क्वैश, खीरा, करेला, बैंगन और मिर्च की तुड़ाई करते रहें। धनिये की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसे अच्छे जीवांश युक्त भारी भूमि में भी उगाया जा सकता है। खेत में जल निकासी का उचित इंतजाम जरूरी है। बोने से पहले खेत को अच्छी तरह जोत ले और मिट्टी को भुरभुरा बना ले, साथ ही मिट्टी को समतल कर ले। आखिरी जुताई में 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद मिला दे। बीज की मात्रा बुआई और सिंचाई की दशा पर निर्भर करती है। सिंचित दशा में 12 से 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर डाले, जबकि असिंचित दशा में इतनी ही जमीन के लिए 25 से 30 किलो बीज की जरूरत होगी। बोने से पहले बीज को उपचारित जरूर कर ले, साथ ही बुआई से पहले बीज को 12 घंटे पानी में भिगो कर रखें। कतार से कतार की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर जबकि गहराई 2 से 2.5 सेंटीमीटर रखें। पूरी फसल में 4-5 सिंचाई की जरूरत होती है। पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद, दूसरी 60 से 70 दिन बाद, तीसरी 80 से 90 दिनों के बाद और चौथी 100 से 105 दिन बाद करें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दें। 1 माह बाद फिर से निराई गुड़ाई करें। खरपतवार की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। धनिये में उकठा रोग, चोमिल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तुड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद ना होने पाए। 1 हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है। और किसान समाचार में अब नजर डाल लेते हैं कुछ और खबरों पर। खास खबर में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर आयुष्मान भव अभियान की शुरुआत की जाएगी। उन्होंने कहा है कि इस अभियान के तहत आरोग्य लक्ष्य सेवा का प्रचार प्रसार किया जाएगा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा ने असम विधानसभा के नए भवन परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया।
जम्मू कश्मीर के श्रीनगर बारामूला राष्ट्रीय राजमार्ग पर हंजी वेरा पट्टन में सुरक्षा बलों को बम संभावित आईईडी होने की जानकारी मिली। जानकारी मिलने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और बीडीएस मौके पर पहुंची और बम को निष्क्रिय किया। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने मध्य प्रदेश के उज्जैन के महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना की। प्रमोद सावंत महाकाल मंदिर में भगवान की अलौकिक भस्म आरती में शामिल हुए। महाराष्ट्र के ठाणे में 40 मंजिला इमारत से लिफ्ट गिरने की घटना में 7 मजदूरों की मौत हो गई है। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड के जवान मौके पर पहुंच गए। तमिलनाडु के तिरुपत्तूर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहां फुटपाथ पर बैठे 7 लोगों की वैन से कुचलने के बाद मौत हो गई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर ने भारत की अध्यक्षता में G20 सम्मेलन की तारीफ करते हुए कहा है कि जो किसी G20 के अध्यक्ष ने नहीं किया वह भारत ने कर दिखाया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर के श्री अचलेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे। किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें, नमस्कार।